हेलो एवरीवन, सो आई जस्ट कम बैक फ्रॉम अ जिम एंड मैं एक्चुअली गई थी, मेरे नीचे एक शॉप खुली है, नई ग्रॉसरी शॉप, तो वहाँ पे मैं गई थी मैं एक चीज़ लेने, लेकिन एज यूजुअल मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो दूसरी चार चीज़ें देख के मैं वो खरीद ही लेती हूँ। तो मैंने एक पानी ख़रीदा है, दिस इज़ अ स्मार्ट वाटर, दिस इज़ अ पेप्सिस ब्रांड, पेप्सी जो हमको पिलाती है, कोक मतलब पेप्सी की जो कंपनी है, तो उसी का ये बॉटल है, 55 रुपीज़ का ये बॉटल है। दिस इज़ अ स्मार्ट वाटर और दे आर टेलिंग दैट दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय क्लाउड फॉर प्योरिटी वंस अपॉन विथ इलेक्ट्रो लाइट्स फॉर टेस्ट। सो मुझे एक्चुअली पीना था कि ऐसा क्या है इस पानी में, क्योंकि मैंने तो अभी तक 20 रुपये वाली बोतल पी थी एंड लास्ट टू लास्ट मैंने हिमालय पिया था, वो स्टारबक्स में जाके 100 रुपये की। सो ऑफकोर्स वो भी बहुत ही रेट है, लेकिन स्टारबक्स में मैं भी ज़्यादा ले लेते हैं उसका। तो ये मेरे ध्यान में कब से था। अगेन अनदर थिंग इज दिस ताली प्रोटीन पफ, ग्लूटेन फ्री है एंड इट इज़ अ रोस्टेड नॉट फ्राइड, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। 4 ग्राम का प्रोटीन है इसमें, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप लोग जिम कर रहे हो, डाइट पे हो। तो इसके जो न्यूट्रिशन फैक्ट है उसमें भी आप देख सकते हो कि देर इज़ अ नो शुगर एंड प्रोटीन इज़ अ 4% एंड योर टोटल कैलोरी विल बी लाइक 411 की कैल। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दिस ट्रेलिश का कोल्ड कॉफ़ी, विच इज़ लाइक क्लासिक वन मैंने परचेस किया है। सो दिस इज़ ऑल्सो न्यू थिंग विच आई सीन, लाइक कोल्ड कॉफ़ी मैंने ऐसी पैक देखी हुई है, लेकिन ये नया ब्रांड है तो मुझे ट्राई करना था, आई एम अ कॉफ़ी लवर। देर इज़ अ रामन नूडल, वेज रामन, सो ये मैंने ट्राई नहीं किया था, सो मैंने लिया है ट्राई करने के लिए। एंड देन दैट शॉपकीपर, बिकॉज उन लोगों ने नया आउटलेट खोला है तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने इतनी चीज़ें ली तो उन्होंने बोला कि ये ट्राई करो, ये नया चीज़ है, आपको अच्छा लगेगा। सो दिस प्रोडक्ट इज़ बाई ट्रू एग्रो रूट्स, दिस इज़ अ क्यूनोवा का क्रिस्पीज है, ये भी बेक्ड हेल्दी स्नैक है और फ्लेवर है इसका स्मोकी बीबीक्यू। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट फ्राइड थिंग विच इज़ गुड फॉर मी, सो कभी कभी रात को भूख लगती है तो आप ऐसी चीज़ें खा सकते हो, चिप्स विप्स मत खाया करो। हाँ थोड़ा महंगा होता है ये चिप्स से, मगर गुड भी तो है हेल्थ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बॉटल मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा है, और मैंने देखा है ये जो स्मार्ट वाटर है इसकी फ्लेवर्ड वाटर भी है, पीने के बाद लगता ऐसा ही रहा है कि जैसे पानी पिया हो, लेकिन देयर इज समथिंग डिफरेंट इन टू दिस। लाइक वहाँ पे अगर आप लोग गए हो मनाली शिमला साइड, तो ऑटोमेटिक पहाड़ों से पानी गिरता है, तो मैं वहाँ पे थी, मेरे साथ जो हमारे ड्राइवर थे, मतलब फैमिली ट्रिप थी, तो पानी पीने का मन था लेकिन कहीं पे भी शॉप नहीं दिख रहा था और हमारे पास खाली बोतल थी, तो वो अपनी बोतल भर रहा था, तो हमने उससे पूछा भाई यहाँ से क्यों भर रहा है, उसने बोला हम लोग यहाँ से ही पीते हैं, पहाड़ों का पानी इज़ लाइक आपकी बोतल का पानी कुछ नहीं है, उतना प्योर होता है। और एंड दैट इज़ ट्रू, ऑफकोर्स उसमें मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे जो पैक वाटर बॉटल है उसमें नहीं होते हैं। तो मुझे वहाँ पे जो पानी पिया था ना वैसा लग रहा है, शीतल जल जो बोलते हैं ना, जिसको पी के यू नो अच्छा लगता है, वैसा वाला, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो मुझे वैसा लगा ये पी के, गुड, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे पैक वाटर पी रहे हो, यू नो जैसे 20 रुपये वाली पानी की बोतल पी के लगता है कि हाँ मैंने भाई नाम नहीं लूँगी मैंने, लेकिन पिया मैंने पानी, बट ये पी के ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि मुझे ऐसा लगा माउंटेन का पानी। तो इन लोगों ने जो लिखा है कि भाई बादलों में से हम लोग निकालते हैं प्योरेस्ट थिंग, सो दैट इज़ ऑफकोर्स ट्रू, इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सारे लिखे हैं, प्योरिटी यू कैन टेस्ट, हाइड्रेशन यू कैन फील, सो प्योरिटी तो हमने टेस्ट कर ली, दैट इज़ वेरी गुड, एंड हाइड्रेशन अभी देखते हैं। क्लाउड might throw some shade but they give us nature's purest source of water, we think that's pretty smart, so we took inspiration from our puffy white friends and created pure vapor distilled
smart water that we won up it with added electrolytes for crisp clean taste. So मुझे लगता है जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है वो electrolytes है, electrolytes है sorry. और इसमें calcium and potassium भी है. So that is a type of minerals I guess. So worth तो है लेकिन महंगा भी है. बाकी की चीज़ें I did not taste yet. जिम से आई हूँ, प्रोटीन थोड़ा पीऊंगी, उसके बाद आई विल हैव. The next day. Hey guys, right now I'm in the office and I'm trying this coffee which I purchased yesterday. कल जो मैंने ली थी उसमें से जो दो स्नैक्स लिए थे वो तो मैंने खा लिए, भूख लगी थी तो आई एम सॉरी मैं बताना भूल गई, लेकिन उसमें से दोनों ही मुझे ठीक ठाक लगे बिकॉज रोस्टेड थे एंड एक तो बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी था, बहुत तीखा था तो मुझे मज़ा नहीं आया. सो दिस इज द कॉफ़ी, नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई दिस. लेकिन इसको मैंने थोड़ा टेस्ट कर लिया है एंड अगर आप कॉफ़ी लवर को जानते हो तो बीटर टेस्ट की कॉफ़ी पसंद होती है, तो मुझे भी बीटर टेस्ट की कॉफ़ी पसंद है, तो इसमें थोड़ी कॉफ़ी का कॉफ़ी मतलब बीन्स का मुझे कम लग रहा है. सो मैंने अपनी ऑफिस में थोड़ा सा कॉफ़ी डाला है इसमें एंड इसका ना मिल्क पीने में ना मिल्क का पोर्शन मुझे ज़्यादा लगता है एंड आई लाइक मिल्की पोर्शन लेस इन माई कॉफ़ी, मतलब 25% मिल्क एंड 75% वाटर आई वॉन्ट इन माई कॉफ़ी. आइस कॉफ़ी आई एम टॉकिंग अबाउट, आइस कॉफ़ी नॉट हॉट कॉफ़ी. हॉट कॉफ़ी ऑल्सो आई डू नॉट लाइक दैट मच मिल्क बिकॉज वो मुझे मोटा मोटा जो नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों, पहले बचपन में पसंद था ना, वो अभी सालों के बाद मेरा कॉफ़ी पीने का टेस्ट आई थिंक डेवलप हुआ है, क्या हुआ आई डोंट नो, बट आई लाइक दिस वे. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई दिस, पुटिंग दिस कैमरा हियर नाउ. ऑल्सो आपको मेरे बाल दिख रहे होंगे कि भीगे हैं बाल. सो आज सैटरडे था तो मुझे जाना था मंदिर, दैट इज अभी दिख रहा है. मारेंगे ना ये लोग पकड़, कैसा लग रहा है मुझे, ट्रेलिश मारना मत मुझे पकड़ के प्लीज. सो दिस इज मी, कॉफी का टेस्ट चेंज हुआ है एंड दिस इज नाइस, मुझे अच्छा लगा. ये भी बेस्ट ही है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, तो मैं ऐसी टेढ़ी इंसान हूँ जिसकी वजह से मैं ऐसे पी रही हूँ. अदरवाइज कॉफी इज क्वाइट नाइस. ऑल्सो आज मैंने थोड़ा हल्का हल्का मेकअप किया है, मेरे डार्क सर्कल बढ़ रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, सो आई टू डू समथिंग फॉर माई डार्क सर्कल एंड नोज में प्रॉब्लम है मुझे थोड़ा, तो मैंने नहीं पहना है ये नोज पिन. ऑल्सो आईब्रो आई एम ग्रोइंग अप बिकॉज मेरी पार्लर वाली जो दीदी है अहमदाबाद में उनसे मैं करवाने वाली हूँ बिकॉज शी नो द परफेक्ट शेप ऑफ माई आईब्रो. मैंने जो फेस रेजर होता है उससे ट्राई करके देख लिया, लेकिन मैंने एक बार थोड़ा सा कट कर दिया था इधर से, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट रिस्क बिकॉज मुझे नहीं आता है ऑनेस्टली. हाँ एक दो बार यहाँ ऊपर या यहाँ कहीं ऊपर हो तो वो निकाल सकते हैं बीच वाले या कुछ, बट शेप तो आई एम नॉट एबल टू डू बाई माई सेल्फ, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट रिस्क. और वो तो मैं समझती हूँ कि पार्लर वाली दीदी करे वही बेटर है. The next day. Hello, good morning. This is Sapna Mehr and welcome to my YouTube channel. आज है संडे और बजे हैं 9. मैं उठ चुकी हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, चाय पी मैंने एंड देन आई हैड चिला बेसन का, देन आई डिड सम एक्सरसाइज योगा एंड ऑल. सो अभी मेरे पास है 2 घंटे जिसमें मुझे लंच बनाना है, लंच बना के मुझे रेडी होना है और आज मैं जा रही हूँ ऐसे ही कहीं घूमने. सो बी विथ मी, दिस इज अ संडे व्लॉग विद सपना मेर.
आज मैंने चावल ना कुछ ऐसे बनाए हैं, लाइक चावल है, मिलेट्स है, ग्रीन पीज है एंड मैंने मूंग का दाल डाला है छिलके बिना वाला. सो उसमें मुझे न्यूट्रिशन थोड़ा सा प्रोटीन ग्रीन व्रीन सब मिल जाएगा. सो थोड़ा सा पालक पड़ा था जो बिगड़ने वाला था, सो मैंने ऐसे ही सॉटे करके सारे मसाले डाल दिए हैं. सो दैट इज़ अवर लंच एंड आई एम नॉट ईटिंग रोटी नाव डेज बिकॉज एक महीना मैं रोटी नहीं खाने वाली हूँ एंड दिन में एक बार मैं चावल खाने वाली हूँ लिटल बिट. द नेक्स्ट डे सो आज मेरा दिन था वो जा रहा है वैसे तो अच्छे से. आज इंडिपेंडेंस डे है, आज सुबह हमारी सोसाइटी में फ्लैग होस्ट किया था. मैं गई थी लेकिन थोड़ी देर के लिए गई थी और मैं कैमरा लेके नहीं गई थी क्योंकि मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगा कि उसको भी मैं व्लॉग करूँ, तो मैं नहीं लेके गई थी. एंड देन राइट नाउ आई एम हियर. मुझे लगा था शाम को मस्त टीवी देखूंगी, कोई अच्छा सा लगाऊंगी कुछ भी, लेकिन अभी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है. सो उसकी वजह से मेरे जो दूसरे काम है जो मैं लैपटॉप पे करती हूँ टीवी देखते हुए वो भी नहीं हो रहा है. बिकॉज ऑफ दैट राइट नाउ आई एम सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि अब जाके मैं स्विगी में से कुछ ऑर्डर कर रही हूँ क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना है. एंड आज मैंने इतना स्वीट खाया है कि पूरा पैकेट खा लिया है मिठाई का और मुझे ज़रा सा भी गिल्ट फील होना चाहिए ना जो ऐसा सब खा के लास्ट में कि यार इतना खा लिया मैंने. स्पेशली जो लोग डाइट पे होते हैं उन लोगों को होता है. सो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये बोल रही हूँ. तो वो भी नहीं हो रहा है, लाइक खा लिया ठूस लिया लेकिन अभी मुझे ज़रा सा भी इतना सा भी गिल्ट फील नहीं हो रहा है. जनरली मुझे होता है लेकिन आज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों. शायद आज़ादी का दिन है तो मैं अपने आप को बहुत आज़ाद फील कर रही हूँ. एंड इस वीक मैंने गदर 2 देखी, बहुत मज़ा आ गया गदर 2 देख के. सच में मूवी बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा लंबा खींच दिया है मूवी को, बाकी अच्छी मूवी है, बहुत मज़ा आया मुझे. लेकिन यार कपिल शर्मा शो देख देख के ना जब भी वो सनी पाजी बेचारे स्क्रीन पे आते थे ना एक अंदर से आवाज़ आती थी कि मेरा बेटा खट्टी मीठी गोली खाएगा मेरा बेटा खट्टी मीठी गोली. ओ माय गॉड, जो कृष्णा और ये कीकू दोनों सनी पाजी एंड धर्मेंद्र जी बनते हैं वही कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चल रहा. इतनी हंसी आ रही थी मुझे, इतनी हंसी आ रही थी सच में, बहुत हंसी आ रही थी, लाइक किलर वाला. वो सब मैंने व्लॉग नहीं किया है लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने सब अपडेट डाला था जो भी स्टोरी वोरी था मेरा. तो अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आई डोंट नो पता है कि नहीं, लेकिन नहीं कर रहे तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर दो यहाँ पे. एंड अभी थोड़ा मेरा यूट्यूब का जो वीडियोज़ है वो इंटरेस्टिंग बहुत सारे बनने वाले हैं क्योंकि मैं जाने वाली हूँ घर, क्योंकि आ रहा है रक्षाबंधन और ऑफकोर्स हम ब्लॉग करेंगे, ऑफकोर्स हम नए कपड़े पहनेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी इस बार मेरा पूरा मेकअप ट्यूटोरियल ऑफ रक्षाबंधन डे. मज़ा आने वाला है. सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज बेयर विथ मी एंड माई मैडनेस. और पता नहीं आज मेरी स्किन बहुत ही अच्छी लग रही है. मैं अपना पिंपल का एक पूरा व्लॉग बनाने वाली हूँ, लाइक उसमें मैं डिस्क्राइब करने वाली कि हाउ आई गेट फ्रॉम दिस टू दैट. ओके सो स्टे ट्यून. अगर किसी को पिंपल है एंड दे वॉन्ट टू नो अबाउट एवरीथिंग यू कैन बी विथ मी. आई एम योर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट बट अ पर्सन हु एक्सपीरियंस सो मच थिंग्स, so I can provide you appropriate suggestions. A few moments later, आ गया मेरा स्विगी में से सामान. So जब हम आलस में होते हैं और हमको बाहर का भी नहीं खाना तो हम क्या मंगाते हैं? Let me show you कि हम क्या मंगाते हैं. Oh my God. रामन, लव फॉर रामन. सीरियसली ये वाला मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ. मैं वो 3x स्पाइसी वाला आता है ना वही खाती रहती हूँ. दिस इज द फर्स्ट टाइम. दैट्स इट, लेट्स मेक रामन.
बालों की तो दशा बैठ चुकी है सच में मेरी, आधे मेरे ओरिजिनल है आधे मेरे वो कैराटीन वाले हैं. सो आई एम लुकिंग लाइक अ बर्ड सीरियसली. पता नहीं कब मेरे ओरिजिनल हो, क्या खूबसूरत लगती थी मैं मेरे ओरिजिनल बालों में. माय गॉड, देखो मैं यहाँ पे पिक्चर पोस्ट कर रही हूँ, देखो हाउ आई एम लुकिंग इन माय लॉन्ग कर्ली हेयर एंड लुक एट दिस डिजास्टर. बट दिस डिजास्टर मेड बाय मी ओनली. सो वॉज द रामन विच इज इन मेकिंग, आई एम वेटिंग ईगली टू ईट दिस. Cooking and I like soupy ramen, so थोड़ा पानी मैंने ज्यादा डाला है, so it can be soupy. Guys, this is veg noodle, okay? So just किसी को ऐसा हो कि ये कोरियन नूडल है तो वेज है नॉन वेज है, इसमें शायद नॉन वेज भी आता है, बट मेक श्योर कि यहाँ पे देख के लो. मुझे ना सूपी रामन बनाने थे लेकिन सूपी सूपी के चक्कर में इतने सूपी हो गए हैं. सी Still I love soupy. मतलब little bit, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है. So let me complete maintain ना, and internet नहीं चल रहा है. सी एयरटेल का नेट लगवाया है मैंने, वाईफाई, ठीक है, उसमें मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है लेकिन मेरा लैपटॉप में भी नहीं हो रहा है एंड मेरा ये टीवी भी नहीं चल रहा है. What is this kind of behavior एयरटेल फाइबर, what is this? हाँ ऐसा क्यों, अब मुझे जियो लगवाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे. So I'm done with my ramen and right now I'm just a little bit ready to shoot some videos because I'm no internet is working and nothing to do, so better we can do some productive thing on off day. It's 15th August and I have to actually what I did the whole day, pura din main soyi hu, pura din maine bas aaram hi kiya hai. So right now मुझे लग रहा है थोड़ा काम कर लेना चाहिए. सो दैट इज द रीजन आई एम वर्किंग एंड लेट्स शूट समथिंग. आई विल अपडेट एंड पोस्ट यू व्हाट आई एम डूइंग. मैंने इंस्टाग्राम पे अपने पियर्सिंग का दो इमेजेस डाला था, उसमें से एक जिसमें यहाँ 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 सब जगह पे है वो वाला सिलेक्ट किया है आप लोगों ने, तो अभी तो नहीं बट आई एम प्लानिंग इट. और मैंने पहले करवाए हुए हैं लेकिन मैंने गन शॉट से करवाया था तो उसकी वजह से पूरा गैंगरिंग एंड यू नो पर्स वगैरह सब हो गया था. सो इट वाज नॉट सूटेड एट दैट टाइम, बट मे बी मैंने गर्मियों में करवाया था तो दैट इज़ द रीज़न ये होने का. लेकिन इस टाइम मैं सर्दियों में करवाऊंगी एंड इस बार मैं गन शॉट से नहीं करवाने वाली, मैं वो जो नॉर्मल अपना जो छोटे थे तब करते थे ना वो वैसे करवाऊंगी. ये कभी भी सक्सेस नहीं हुआ पता, ये छोटी थी तब मम्मी ने करवाया था वही सक्सेस गया है, बाकी कभी सक्सेस नहीं गया. ये वाला एक सक्सेस गया दैट, ये भी बहुत छोटी थी लेकिन तब भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे. ये तो चलो मुझे ठीक नहीं लगता बट मुझे अच्छा लगता है ये वन डायमंड पहनना. स्टे ट्यून्ड, आई विल अपडेट ऑन माय व्लॉग ओनली. ओके,